150वें गांधी जयंती पर सोलनवासियों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से खास तौर पर युवा पीढ़ी को स्वच्छता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ये जानकारी AC2 DC रितिका चंदेल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ये अभियान सप्ताह भर चलेगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जो शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया गया था, उस मार्ग का अनुसरण युवा वर्ग करे और उनके जीवन से वे प्रेरणा ले सके, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला के विभिन्न विभाग अपना सहयोग दे रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए इस मौके पर AC2 DC रितिका जिंदल ने बताया कि 150वीं गांधी जयंती को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 26 सितंबर से आरंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सप्ताह भर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन के बारे में युवा पीढ़ी को जानने का मौका मिलेगा। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उसके बावजूद भी उन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य किया, उसी तरह से युवाओं में भी नेतृत्व करने की भावना जागृत हो, ये प्रयास किया जा रहा है। बच्चे नशे को छोड़कर शहर और अपने प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें, इसके लिए भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इस साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 में 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। सो 150 साल को हम एक कमेमोरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीक बनाया है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 26th of September से, विच विल एंड ऑन 2nd of October। सो वी हैव कम अप विद वेरियस एक्टिविटीज जो कि हम अपने डिपार्टमेंट्स को रोप इन कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, राइट, लैंग्वेज ऑफिस हुआ, संस्कृति विभाग हुआ, EOMC एटसेट्रा, नेहरू युवा केंद्र, बहुत सारे विभागों को हम अटैच कर रहे हैं अपने साथ। एंड एवरी डे वी आर गिविंग कमिंग अप विद अ न्यू एक्टिविटी, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन हुआ बच्चों के लिए, या सिंगिंग कंपटीशन, भजन जैसे महात्मा गांधी जी गाते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, तो उस टाइप में बच्चों को ज़्यादा सेंसिटाइज करने के लिए सो हम लोग इन विभागों की हेल्प ले रहे हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक वे में हेल्प कर रहे हैं टू कमेमोरेट दिस होल वीक। लेकिन सिर्फ जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिर्फ सरकार का ही वन वे एफर्ट्स नहीं होना चाहिए, सो DC सर ने जैसा हमें बताया और सिखाया, तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे प्रेस हैं हमारे साथ और जनरल पब्लिक हैं, NGOs हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो भी महात्मा गांधी जी को कमेमोरेट करें, उनकी वैल्यूज़, उनके आइडियल्स, जैसे कि नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, है ना, इन सब चीज़ों को कमेमोरेट करें। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड काल चल रहा है तो वी कांट हैव मास गैदरिंग्स, लेकिन व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जो भी उनके पास माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम से कुछ लेक्चर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे कुछ स्लोगन राइटिंग जो सोसाइटीज़ अपने आप में करें। एंड ज़्यादा दायित्व मैं समझूंगी कि पेरेंट्स का भी रहेगा अपने बच्चों के लिए कि वो उनको अवगत कराएं, हमें आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना है उन वैल्यूज़ का, उन आइडियल्स का, कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन रहे, जो किन जो उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से जो एक लीडरशिप उन्होंने शो की एक नॉन वायलेंस तरीके से, ताकि हम आने वाले बच्चों में वो भरें। तो इस के थ्रू हम बेसिकली सबका एक साथ चाहते हैं, एक टीम वर्क चाहते हैं कि हम अपने जो महात्मा जी थे उनको हम कमेमोरेट करें और उनकी याद को आगे तक ले जाएं। तो जैसा कि एक्टिविटीज़ की बात करें अगर हम, तो एक्टिविटीज़ जैसे कुछ रहेंगी, लेक्चर्स, डिबेट्स, स्लोगन राइटिंग, क्विज रहेंगे बच्चों के लिए, ताकि वो महात्मा जी के बारे में जाने, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जाने, है ना, तो ये बच्चों के लिए रहेगा। बट 1st of October को हम लोग नेहरू युवा केंद्र और बाकी जो विभाग हैं उनको हम रोप इन करके नशा मुक्त जो है वो अभियान चलाएंगे 1st of October को, एंड 2nd of October को गांधी जयंती के दौरान हम स्वच्छता एक थीम लेके आएंगे, जिसमें सारे विभाग स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे।